अब मैं वरिष्ठता क्रम में मैं जाने माने कथाकार लेखक जिन पर कई सारी पीएचडी हो रही हैं, शोध हो रहे हैं, ऐसे विद्वान लेखक को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय राजीव रंजन जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं कि वह अपना आशीर्वचन भी दें और अपना वक्तव्य दें। आदरणीय राजीव रंजन जी। मेरे लिए सुखद आश्चर्य था कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित साहित्यिक संस्था काव्य पल्लव मंच ने लाला जगदलपुर जी के नाम पर राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। यही नहीं, मुझसे पूर्व भी यह सम्मान अन्य महर्षियों को दिया जा चुका है। अंचल विशेष के लिए प्रतिबद्ध लेखन करने वाले रचनाकारों का स्मरण बनाए रखने का प्रयास साहित्य की सच्ची सेवा है। लाला जगदलपुरी मेरी रचनाओं की प्रेरणा और प्रोत्साहन दोनों रहे हैं और ये वर्ष उनकी जन्म जयंती का भी है, इसलिए इस अवसर पर उनके नाम पर सम्मान प्राप्त करना मेरे लिए गौरव का विषय है। मैं थोड़ा संक्षेप में आपको लाला जगदलपुरी जी के जीवन के विषय में बताना चाहूंगा, क्योंकि लाला जगदलपुरी को एक आंचलिक रचनाकार मान करके कथित मुख्य धारा ने बहुत हद तक उपेक्षा दी है। और अभी मैं आदिवासी लेखिकाओं को भी सुन रहा था और उनके लेखन के साथ में जुड़ा हुआ संघर्ष भी देख समझ रहा था, और मैं जानता हूं कि क्या कुछ आंचलिक रचनाकारों को अपने जीवन काल में भुगतना होता है, कितनी उपेक्षा उनके साथ होती है। लाला जगदलपुरी जी के साथ भी यही हुआ। लाला जगदलपुरी, जिनको कि दंडक वन के ऋषि के रूप में भी जाना जाता है या इस नाम से भी वे संबोधित किए जाते हैं, उनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1920 को, और उस समय बस्तर रियासत हुआ करती थी जिसकी राजधानी जगदलपुर में उनका जन्म हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का साया जो है वो उठ गया था, तो उनका जो पूरा जीवन संघर्ष है वही उनकी रचनाएं हैं। लाला जगदलपुरी जी ने आदिवासी लोक जीवन को जिस तरीके से अपनी रचनाओं में पिरोया है वो अद्वितीय है। लगभग 1936 से उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था। उनके जो मुख्य काव्य संग्रह हैं वो हैं मिमियाती जिंदगी, दहाड़ते प्रवेश, ये 1983 में आया था, पड़ाव 1992, हमसफर 1986, आंचलिक कविताएं 2005, जिंदगी के लिए जूझती गजलें और गीत धनवा ये प्रकाशित हुए थे 2011 में। लाला जगदलपुरी जी के कई कथा संग्रह हैं जिनमें हल्बी लोक कथाएं 1972 में, बस्तर की लोक कथाएं 1979 में, वन कुमार और अन्य लोक कथाएं 1990 में, बस्तर की मौखिक कथाएं 1991 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने अनुवाद पे भी बहुत काम किया था। उनके जो प्रसिद्ध अनुवाद हैं वो है हल्बी पंचतंत्र 1971 में प्रकाशित हुआ था, प्रेमचंद जो बारह कहानी 1984 में, बुआ चो चिठी मन 1988 में, राम कथा 1981 में, ये अनुवाद हैं जो प्रकाशित हुए थे। लाला जगदलपुरी जी ने बस्तर के साहित्य, संस्कृति और इतिहास को भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी पुस्तकों में समाहित किया है। इसमें उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो है बस्तर इतिहास और संस्कृति, ये 1994 में, बस्तर लोक कला साहित्य प्रसंग, ये 2003 में, और बस्तर की लोकोक्तियां 2008 में प्रकाशित हुई थी। उनकी बहुत सी पांडुलिपियां अब भी अप्रकाशित हैं, लेकिन अभी हाल में ही जो बस्तर अंचल के एक और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं आदरणीय हरिहर वैष्णव जी, उनके संपादन में उनका जो पूरा समग्र है वो दो खंडों में यश पब्लिकेशन से प्रकाशित होकर के आया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम मैं मान सकता हूँ। लाला जगदलपुरी जी का जो परिचय है वो इतने से ही पूरा नहीं हो जाता। वे अखबारों में संपादक रहे, पत्रकार रहे, इसके अलावा वे रंगकर्मी रहे, उन्होंने कई नाटक लिखे और वे नाटक बहुत लोकप्रिय भी हुए थे। उनका परिचय देते हुए यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण लगता है कि उनको मध्य प्रदेश लेखक संघ ने अक्षर आदित्य सम्मान से सम्मानित किया, छत्तीसगढ़ शासन ने अपना सर्वोच्च सम्मान पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य सम्मान से उनको नवाजा, लाला जगदलपुरी जी को अनेक अन्य संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है, जिनमें बख्शी सृजन पीठ भिलाई, बाल कल्याण संस्थान कानपुर, पड़ाव प्रकाशन भोपाल आदि सम्मिलित हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 1987 की एक घटना उससे आपको अवगत कराना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि मुख्य धारा के बड़े रचनाकारों में गुलशेर अहमद खान शानी का नाम प्रमुख है और लाला जगदलपुरी को उनका गुरु होने का गौरव प्राप्त है। जब उनको भिलाई में सम्मानित किया जा रहा था गुलशेर अहमद खान शानी जी को, तो शानी जी अपने गले में डला हुआ हार पहनने से पहले उन्होंने उस हार को रोक लिया और वो हार लेकर लाला जगदलपुरी जी के पास गए और उन्होंने गले में हार डाल दिया। और ये मुझे लगता है कि किसी शिष्य का अपने गुरु को दिया गया बहुत बड़ा सम्मान था। लाला जी हमेशा सादगी से रहे। मैं एक घटना का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे अर्जुन सिंह जी, और वे जगदलपुर आए तो उनका जो नियमित कार्यक्रम था उसके अतिरिक्त उन्होंने लाला जगदलपुरी जी से मिलना निश्चित किया। तो उस समय लाला जी जो है अपने डब्बे में वो लाई खा रहे थे, टीम का डब्बा था उसमें से, और वही उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मुट्ठी भर के ऑफर किया और मुख्यमंत्री जी ने भी और लाला जी ने
ने भी वहीं पर बैठ करके वो लाई खाई, और ये दृश्य जो है और ये जो सादगी है वो बहुत अनुकरणीय है। आज जो है जो बनावटीपन लेखन में आ गया है और लेखक में आ गया है वो बहुत खलता है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसीलिए जो मुख्य धारा है और जो आंचलिकता है उसके बीच का जो एक विभाजन है वो निरंतर देखने में हमारे सामने आता रहा है। मैं जान रहा हूं कि बहुत वक्त हो गया है, अभी भी मुझे लगता है कि कुछ वक्ता बचे हैं जिनको हमें सुनना है, तो मैं अपनी बात को, क्योंकि लाला जगदलपुरी जी का परिचय जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं काव्य पल्लव मंच का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने लाला जगदलपुरी जी के नाम पर ये सम्मान मुझे दिया। एक संस्मरण मेरा भी है कि मैं जब किशोरावस्था में था और जब मैं आरंभिक तौर पर मंचों पर जाया करता था तो वे लाला जगदलपुरी जी ही थे जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया, और वहां से ही जो मेरा सारा रचना क्रम है वो आगे बढ़ा। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस दौर में लाला जगदलपुरी जी से जगदलपुर में मेरा सतत सानिध्य रहा, और जनजातीय समाज पर कार्य करने के लिए उनकी प्रेरणा ने काम किया। जो कुछ मैं आज लिख सका हूं उसमें मैं उनका एक बड़ा योगदान मानता हूं अपने जीवन में, इसलिए उनके नाम पे ये सम्मान मुझे जो दिया गया है उसके लिए मैं काव्य पल्लव मंच का बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।